हेलो गाइस, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कुछ क्रिएटिव मेकअप लुक, बटरफ्लाई मेकअप लुक तितली वाला। तो कुछ इस तरीके से करें, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है, प्राइमर लगा लेना है। उसके बाद से मैंने फाउंडेशन लिया है, फाउंडेशन को इस तरीके से फेस पे अप्लाई किया है और मैं इसको अपनी फिंगर टिप से ही ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से गर्दन पे। गर्दन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो जितना प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो उतना ही आपको गर्दन पे और बाकी जो भी आपका गर्दन, कान, हाथ जो भी दिख रहा है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए स्किन के कलर से, तभी लगता है कि नेचुरल है। अदरवाइज लगता है कि आपका गर्दन का कलर कुछ और, फेस का कलर कुछ और, तो वो अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल मेकअप की तरह नहीं लगता है। तो मेकअप करते टाइम इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया है यहाँ पे 7 फीज का मैट कंसीलर है। गर्मी बहुत है तो आप मैट यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी। तो मैंने इस तरीके से लगाया है क्योंकि मुझे अपने आईज़ पे ही मेकअप करना है, तो आईज़ के आसपास मैंने इस तरीके से कंसीलर को लगा लिया है। बट कंसीलर लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी इस तरीके से फिंगर टिप से अपने कर रही हूँ। बट बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड इस तरीके से मिक्स कर दिया है। मैं इसको विदाउट सेट किए ही, मतलब सॉरी, सेट किए बिना ही पाउडर नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट यहाँ पे मैं अपना आई शेडो में से कलर अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। तो इनर कॉर्नर पे मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्टार्ट करूंगी कलर लगाना आईज पे। तो ये वाला ब्रश लिया है, देन यहाँ पे सिल्वर कलर का जो कलर है उसको लिपिक किया है। ख़त्म हो चुका है मेरा, बट थोड़ा सा फ्रंट में इनर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। देन उसके बाद से ग्रीन कलर ले रही हूँ और कुछ इस तरीके से अप्लाई करूँगी ताकि जैसे कलरफुल लगे, जैसे तितलियाँ दिखती हैं उस तरीके से। तो दूसरी आईज पे भी साथ के साथ करते जा रहे हैं और इसको हमको आईब्रोज तक लेके जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा और अप्लाई कर देंगे। उसके बाद से मैं ये ले रही हूँ यहाँ पे ब्लू कलर और ग्रीन कलर से जस्ट अटैच करते, मतलब ब्लू ग्रीन कलर के साथ ही चिपकाते हुए ब्लू कलर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर लिया है और कुछ इस तरीके से अप्लाई किया है दोनों साइड में। फिर ऑरेंज कलर लिया है और इस तरीके से इसके पास ही अप्लाई कर दिया है। देन ब्लू कलर दूसरी साइड में भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। काफ़ी प्यारा सा लुक आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड मेरा मेहनत और मेरी क्रिएटिविटी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके की डे बाय डे न्यू डिफरेंट डिफरेंट मेकअप आइडियाज़, मेकअप से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगी। और ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे मेरे फर्स्ट चैनल पे प्रीत तिवारी पे फॉलो कर सकते हो। फिर मैंने बटरफ्लाई का यहाँ पे कुछ लुक दिया है और इस तरीके से ब्रश से ही लुक बना लिया है। उसके बाद से इसमें कलर इस तरीके से लगाते जाएंगे जैसे हमने ऊपर वाला कलर अप्लाई किया था उसी तरीके से। तो पहले मैंने पिंक कलर लिया था, फिर ब्लू कलर लिया है कुछ इस तरीके से, फिर ऑरेंज कलर लिया है, फिर यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया है। सबसे ज़्यादा जो क्रिएटिविटी है वो आईलाइनर के साथ करनी है। मेरे पास यहाँ पे सस्ता वाला आईलाइनर नहीं था तो मैंने वाटरप्रूफ 7 फीज का ही आईलाइनर यूज कर लिया था, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था एंड अभी मैं ट्रेनिंग पे जा रही, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं घर पे रह के आराम से वीडियो बना पाऊँ। तो इसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मुझे आप लोग की याद आती रहती है, तो मैं इस तरीके से वीडियोज़ बनाते रहती हूँ और कुछ कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आपको ब्लॉगिंग मिलेगी, क्योंकि मैं नोएडा शिफ्ट हो रही हूँ। कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे अरेंज कर रही हूँ, सारी चीज़ें मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी, तो वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने लुक यहाँ पे क्रिएट किया है। खुद से करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट कर लोगे अगर ट्राई करोगे तो। इस तरीके से इसमें कुछ कुछ इस तरीके से बनाते जाएंगे। ओके, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है आपको भी। इस तरीके से आपको आउटलाइनर पे थोड़ा डार्क कलर अप्लाई कर देंगे। देखिए, पहले इस तरीके से गैपिंग दिया था, फिर उसको मैंने आईलाइनर से फिल कर दिया। तो इसी तरीके से आपको बटरफ्लाई का लुक पूरा देना है। ओके, इस तरीके से करते जाएंगे।
अब जैसे हम लोग आईलाइनर लगाते हैं उस तरीके से भी करेंगे। पहले सारा जितना भी हमने बनाया है उसको डार्क कर लेंगे, और कुछ इस तरीके से जैसे भी आपको समझ में आए उस तरीके से आप इसमें जैसे तितली के पंखों पे होती है लाइन लाइन सी, वैसे बना लेनी है। तो इनर कॉर्नर तक इस तरीके से आईलाइनर लाने के बाद जैसे हम लोग आईलाइनर लगाते हैं वैसे हमको अपनी आंखों पे अप्लाई कर लेना है, और आउटर कॉर्नर तक ले जाके इस तरीके से घुमा देना है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। ओके, तो ऊपर का तो हमारा बन गया। अब हम लोग नीचे की तरफ भी दिखाएंगे अपनी क्रिएटिविटी और बटरफ्लाई का लुक देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ को झुका देंगे लाइनर को, एंड लो वाटर लाइन पे भी इस तरीके से लेके जाएंगे और यहाँ से घुमा देंगे जैसे कि एक बटरफ्लाई का शेप आ जाए। ओके, कुछ इस तरीके से, एंड नीचे में ऐसे आपको कर देना है। ये मेरा महंगा लाइनर है, 350 का है, बट मैं बना रही हूँ कोई बात नहीं। और मुझे इसे रिमूव करने में भी दिक्कत हुआ था। अगर आप इसको नॉर्मली जैसे ये लाइनर है कि आप कितना भी पानी में डालो कुछ भी डालो आपका जो लाइनर है वो टच से मस नहीं होगा, आप कितना भी धो लो पानी आ जाए बारिश आ जाए पसीना आ जाए ये नहीं निकलता है, बहुत आराम से टिका रहता है अपनी जगह पे। 7 इंच का लाइनर है, तो अगर आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है, देन इस तरीके से इसमें क्रिएटिविटी करेंगे। ओके, तो देखिए कितना अच्छा प्यारा सा लुक यहाँ पे आ गया है तितली जैसा। अब दूसरी आइज पे भी हमको इसी तरीके से करना है। अब इनर कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से लेके आएंगे लाइनर को और आगे की तरफ थोड़ा सा झुका देंगे ताकि ये तितली जैसा लुक लगे बटरफ्लाई की तरह। अब चलिए दूसरी आइज पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने दूसरी आइज पे स्टार्ट किया है। ओके, और पहले मैंने एक पे बना लेने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर इजीली आप दूसरे पे भी कर लोगे। अब इनर कॉर्नर से इस तरीके से लेके जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एक साइड तो आपने देख ही लिया, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। ना समझ में आए तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए। तो इसी तरीके से आपको दोनों आइज पे इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा निकाल देना है। इसमें भी डिज़ाइन इस तरीके से बना देंगे बटरफ्लाई की तरह जैसे हमने दूसरी आइज पे बनाया था। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे बना लेंगे। फाइनल लुक जो होगा अभी मैं दिखाऊंगी आपको, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लाइनर की तरह लाइनर लगा देना है, देन इस तरीके से आपको बनाना है। थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी इस वाले में तो मैंने इसको रिमूव करके दोबारा सा बनाया था। तो ये ऑलमोस्ट हमारा बन गया है। तितली तो मैंने बना दी थी, फिर मैंने सोचा कि तितलियाँ तो फूलों पे बैठती हैं तो फूल भी मैंने बनाया था फोरहेड पे अपने, तो उसका वीडियो यहाँ पे अटैच नहीं किया हुआ है, बट आपको अगर देखना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं बता दूँगी। फिर ऊपर जैसे तितलियाँ उड़ती है ऐसे लगता है ना कुछ उड़ रहा है उनके कलरफुल जैसे, तो इसलिए मैंने अपने आईब्रोज पे भी इस तरीके से बनाया था। और ये था मेरा फाइनल लुक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई वाला लुक बनाया था, सॉरी तितली को थोड़ा सा ग्लिटर लगा देंगे तो वो ओरिजिनल तितली जैसी दिखेगी। यहाँ पे मैंने ग्लिटर लगाया था, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट बहुत प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको मिरर में देखा था शीशे में, और इस तरीके से ये चमक रहा था, काफ़ी अच्छा लुक आ गया था। तो इस तरीके से आप ग्लिटर अप्लाई कर देना। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का थोड़ा सा ग्लिटर लिया था, कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दिया था जिससे कि इसका लुक जो था और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था और खूबसूरत लग रहा था। देखिए कहीं कहीं पे चिपका देंगे जिससे कि शाइन करेगा और बहुत प्यारा लुक आ जाएगा। हेयर स्टाइल की बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज, अमेजिंग आइडियाज है, पतले हल्के बालों पे, छोटे बालों पे, जैसा भी आपका फेस सेविंग सेप है उसके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल बहुत सारी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो इस तरीके का लुक आया था, कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। देखिए लग रहा है तितली उड़ रही है। तो वीडियो पसंद आई हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए और मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बना दीजिए गाइस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।
और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।